नेक्स्ट का हो या नेक्स्ट गेम हो तो ये हमारे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि दोस्तों के साथ उनको खेल कूद में शामिल करें प्ले विद एवरी वन हर एक के साथ खेलना चाहिए किसी को अपना पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी के साथ लर्न टू प्ले इन टीम्स बोलते हैं टीम वर्क इज़ द बेस्ट वे बेस्ट वे ऑफ प्लेइंग गेम्स क्योंकि इंडिविजुअल गेम पर क्या है अपने आप पे कंसंट्रेट करता है एक कंपटीशन हो जाता है नहीं मुझे जीतना है ऐसा होना चाहिए कि हमें जीतना है ठीक है सो इट शोज़ करेज एंथोसिजम एंड टीम वर्क इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जैसे मतलब हमारी सोसाइटी में हमारे एरियाज़ <coughs> में एक क्रिकेट टीम हुआ करता था जब मैं छोड़ा था बट uh, अभी के हिसाब से आजकल बहुत कंपटीशन हो गया है देर आर वेरी फ्यू नंबर ऑफ टीम्स सॉरी सो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए यू हैव अ राइट टू रिलैक्स आपको आराम करने का हक आपको हक बनता है आराम करने का प्ले एंड ज्वाइन इन वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ खेलने कूदने का और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यू हैवे रेस्पॉसिबिल टू लर्न एज मच एज यू कैन एन हेल्प अदर्स टू लर्न आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको हर एक चीज़ सीखने की उम्मीदी होनी चाहिए और सीखने के बाद बाकी लोगों को भी सिखाने की क्षमता होनी चाहिए रीड एंड लर्न अ लॉट आपको पढ़ना आना चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ मतलब बहुत सारा लिखना भी आना चाहिए वॉल्टियर एंड स्प्रेड योर नॉलेज टू चिल्ड्रेन हु डोंट हैव एक्सेस टू एजुकेशन जैसे मान लीजिए वॉल्टियर कब बनते हैं जैसे नॉर्मली हम फार फ्लंग एरियाज़ में जाते हैं वहाँ पर स्कूल्स की बहुत किल्लत होती है एजुकेशन का वहाँ पर हमें ट्रांसपोर्टेशन करनी है अगर हम एक आ, एक्टिविटी बनाएँ स्कूल में कि नहीं संडे या वीकेंड में हम एक आ, बस हायर करके या ज़रूरी नहीं है दूर जाना एक नेबरिंग एरियाज़ में जैसे अपने ए के बगल में आजू बाजू में बहुत सारे स्कूल्स हैं बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एक्सेस नहीं है स्कूल्स का तो उनको हम एजुकेट कर सकते हैं हाउ टू ईट हाउ टू बिहेव ज़रूरी नहीं खाली आपको मैथ पढ़ाना है साइंस पढ़ाना नहीं उनको हम पूरे अवेयरनेस दें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में देश में क्या हो रहा है यू हैवे राइट टू फ्रीडम ऑफ थाट एंड रिलीजन आपको भरपूर छूट दी गई है आप क्या सोच सकते हैं वो आपकी ओन अपनी परसप्शन है और कौन सा रिलीजन आप रीच करना चाहते हैं वो आपका ओन है उसमें कोई आपको कोई कानून आपको रोक नहीं सकता है वो आपका राइट है यू हैव अ रेस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ़ योर एन्वायरमेंट आपको अपने वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए वो आपकी जिम्मेदारी है डू नाट लेटर कीप द एनवायरनमेंट क्लीन कूड़ा कचड़ा ना फेंकें एनवायरनमेंट को साफ़ रखें जो रोड्स हैं गलिए कोचे हैं स्ट्रीट्स हैं लॉन्स हैं उनको साफ सुथरा रखें सेव नेचुरल रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको सेव करने की भरपूर कोशिश करें पानी है बिजली है ठीक है तो इनको आप प्लीज़ अच्छे से यूज़ करें और ख़राब ना करें जैसे रिसाइकल रीयूज एंड रिड्यूस। जैसे मान लीजिए हमारे आ, अगर हम यूज़ ना करें जैसे पॉलीथीन से हमारे इन्वामेंट ख़राब हो जाता है हम नॉर्मली पॉली बैग जो फाइबर का बना होता है उसको या इसका आ, वूल मतलब कॉटन का बना होता है उसको